नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जाति गणना के आंकड़े रिलीज किए थे। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जाति गणना के जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, हम किसी राज्य सरकार के किसी काम पर रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया, जनवरी 2024 तक इस पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेंगे। बता दें कि 3 अक्टूबर को याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट से जाति आंकड़े जारी किए जाने के मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। याचिकाकर्ताओं में एक सोच, एक प्रयास और यूथ फॉर इक्वलिटी जैसे संगठन शामिल हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की बैच जाति गणना मामले की सुनवाई हुई। बिहार सरकार ने जाति गणना का आंकड़े जारी किया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर यह आंकड़ा जारी किया गया। जारी आंकड़े के अनुसार बिहार की आबादी 13,07,25,310 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। यह 4,70,080,514 है। वहीं दूसरे नंबर पर अति पिछड़ा वर्ग 3,54,63,936 है। अनुसूचित जाति की संख्या कुल 2,56,89,820 है। अनुसूचित जनजाति की आबादी मात्र 21,99,361 बताई गई है। सामान्य वर्ग की संख्या 2,02,91,679 है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।